नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैंने चित्रपाटी हाजिर हूँ इस प्रोडक्ट के साथ में। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और डिटेल में रिव्यू एंड डेमो करने वाली हूँ, तो ए टू जेड बताने वाली हूँ इस प्रोडक्ट के। बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है मेकअप लवर जो है उनके लिए प्रोडक्ट। तो बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और ये मेकअप लुक आपको कैसा लग रहा है, सीखना चाह रहे हैं ना, तो मेरा दूसरा चैनल है रात का मेकअप, वहां पर विजिट जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में गाइस। ये है मिलानी का कंसील प्लस परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा है गाइस। ये मैंने अभी इस मेकअप लुक में क्रिएट किया हुआ है। इसके पहले जो मेरा ब्राइडल मेकअप लुक गया था चैनल पे, उस पर भी रात का मेकओवर्स वाले पे, तो उस पर भी मैंने इसको यूज किया था। बहुत ही बिंदास रिजल्ट देता है। मेरा जो शेड है ये है, देख लीजिएगा, ये 115 है और 115 लाइट न्यूड है। और जो इसकी MRP है, मैं अभी इसे नायका से परचेज करके लाई हूँ, नायका शोरूम से, तो वहाँ पे ये मुझे 1350 का कुछ मिला है। बट अब जो करेंट MRP पे आया है वो कुछ 1500 कुछ में आपको मिलेगा। शेड्स इसमें 5 हैं आई थिंक, और सारे ही बहुत ज़्यादा आपको डार्क स्किन टोन के लिए कोई भी शेड नहीं मिलने वाला है, मोस्टली लाइट में ही। मुझे हाईलाइट करने के पर्पज से चाहिए था, तो मैंने एकदम से लाइट लेना मुझे सही लगा। और आप अगर इस टाइप के प्रोडक्ट अगर लेना चाहते हैं तो मेरा यही सुझाव रहता है कि जाके चेक करके शोरूम वगैरह से ही लीजिए, ताकि आपको सही चीज़ मिल सके। क्योंकि देखिए 1350 कोई सस्ता प्रोडक्ट नहीं है, कंसीलर वो भी, क्योंकि ये मिलानी का अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो थोड़ा सा और अगर हम रेंज बढ़ाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा महंगा फाउंडेशन नहीं पड़ता है, तो हम फाउंडेशन भी ले सकते हैं। तो जब इस टाइप का हम थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट ले रहे हैं तो कोशिश रहती है सेट में कन्फ्यूज ना हो, बिल्कुल अपने जो आपके यूज का है सेट वही आप लें तो बहुत ही सही रहता है। ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, या जो मैं जिस टाइप से लेती हूँ, मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत जब महंगे प्रोडक्ट हम लेते हैं तो आंख बंद करके नहीं ले सकते, चलो ये नहीं ये ले लिया, तो थोड़ा सा मुझे ये रहता है कि अगर मैं मनी अपना यूज ही हो मेरा, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरह से लूँ। और ये एकदम से लाइट ही है, और मिलानी ने बहुत ये वो थोड़ा सा किया है, इंडिया में जो इन्होंने 5 सेट अवेलेबल कराए हुए हैं वो बहुत डार्क में नहीं है। डार्क स्किन वालों के लिए, बहुत डार्क टू मीडियम वालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है मिलानी में, उनके लिए मुझे नहीं लग रहा है कोई भी इस टाइप का मिल जाएगा। कवरेज इसका बहुत अच्छा है, जैसे कि इन्होंने बोला है अभी, कवरेज बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत ही अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो जाता है। लाइट वेट फॉर्मूला है, हैवी फील नहीं होगा। जैसे कई कंसीलर अगर आप लगा लेते हैं तो लाइनिंग दिखती है, आप देखिएगा वहीं पर ही अच्छे से सेट हो गया, आपको अलग समझ में आ रहा होगा। तो मेरा जो पर्पस था, मुझे हाईलाइट पर्पस से लेना था, हाईलाइट पॉइंट को हाईलाइट करने की उससे लेना था, तो मैंने आप ये शेड्स लिया हुआ है। आप इसमें और भी शेड्स ले सकते हैं, 3-4-5 शेड्स हैं इंडिया में, तो आप जाके देख लीजिएगा। ऑनलाइन भी ये नायका वगैरह पे मिल रहे हैं, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरी तरह वैसे हाईलाइट पर्पस से चाहिए तो आप 115 में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत ही अच्छा है, मुझे जो पर्सनली यूज करके तो बहुत हैवी हूं, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप भी अगर इसको यूज करना चाहें तो बहुत ही अच्छा है, मिलानी का कंसीलर है। मैं बहुत सारे कंसीलर यूज करती हूँ, बट मेरा था कि मुझे थोड़ा अच्छा चाहिए, जो एंड में जब मैं जिस प्रोडक्ट का यूज करूँ वो थोड़ा सा बहुत ही अच्छा, मेरे जो पॉइंट है हाईलाइट पॉइंट जो मैं यूज कर मेकअप भी करती हूँ तो बहुत ही अच्छा लुक मिले, तो उसके लिए मुझे परफेक्ट लगा। केमिकल फ्री है, किसी भी तरह का कोई इन्होंने केमिकल नहीं मिलाया है, लाइट वेट फॉर्मूला है। फिर मैं बताऊंगी, क्योंकि हमारा यही रहता है कि हम लाइट वेट फॉर्मूला पे ही काम करें। और बहुत ही अच्छा है, और ऐसा कुछ ज्यादा इन्होंने मेंशन भी नहीं किया है, ठीक है। तो MRP मैंने आपको बता ही दी है, जो यहाँ पे आपको एक जो टैग मिलेगा उसमें MRP वगैरह रहती है। मैंने जब ओपन करा तो इसे निकाल दिया, क्योंकि मैं इसे यूज कर चुकी हूँ। और मेरी कोशिश यही रहती है, मैं आपके लिए अगर कोई भी रिव्यू लेके आ रही हूँ किसी भी प्रोडक्ट का, तो मैं उसको यूज कर सकूँ और सही आपको रिव्यू दे पाऊँ, तो मेरा कोशिश यही रहती है। इसीलिए मैं जब यूज कर लेती हूँ तब मैं, अब जैसे कि अभी ये मेकअप लुक जो मैंने क्रिएट किया है, तो इसमें मैंने जो सनस्क्रीन यूज किया हुआ है तो बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है। अब नेक्स्ट रिव्यू जो वो इसी का आने वाला है, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने सनस्क्रीन यूज किया हुआ है डॉक्टर साकिया सा, बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है। इसके रिजल्ट जो मुझे दिया है ना गाइस, बहुत ही अच्छा। तो दिन में जब आप मेकअप कर रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको ये मिलने वाला है इस ब्रांड का
प्रोडक्ट का, सनस्क्रीन है, बहुत ही अच्छा है। तो डिटेल में देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ में। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक मैं यूज नहीं करती हूँ उसका रिजल्ट क्या है आपके लिए लेके बताने के लिए, गाइस एक वीडियो के पीछे बहुत मेहनत होती है, तब हम यहाँ तक आपके लिए प्रोडक्ट लेके आ पाते हैं गाइस। तो प्लीज लाइक करने में कंजूसी मत किया करें, और किस टाइप के प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने हुडा का फाउंडेशन भी लिया हुआ है, उसका भी रिव्यू आने वाला है। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के रिव्यू एंड डेमो आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ में गाइस। और ये मोस्टली प्रोडक्ट में खुद खरीदती हूँ तब आपके लिए उनका रिव्यू लेके आती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी जो ऑडियंस है जो मुझसे जुड़ी हुई है वो अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट का, सस्ते से सस्ता, अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा प्रोडक्ट में हर तरह का मेरे चैनल पे आपको प्रोडक्ट का रिव्यू देखने को मिलता है। तो और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है कि जिसका आप रिव्यू देखना चाह रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्किन केयर से लेके मेकअप प्रोडक्ट का हर कुछ आपको सही वाला रिव्यू मेरे चैनल पे मिलता है रात का रिव्यू, उस पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, स्किन को हेल्दी रखने के लिए ताजे फल हरी सब्जियां और फलों का जूस खाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। खूब पानी खूब सारा पीजिएगा ताकि स्किन आपकी मुस्कुराती रहे। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।